सलवाले मोहम्मद सलवात एक सूरह फातिहा तीन दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन मोमिनात मरूमीन तमाम उल्मा तमाम शोहदा उस्ताद शहीद सिफ़त जाफ़र शहीद आरिफ हुसैनी की रूह को पढ़कर बस बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक और दफ़ा सलावात भेजो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। हसबुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقَلَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا بِال قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ौलल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावात भेजे मोहम्मद। असदारा ने शहीद शहदा शब 5 मुहर्रम कितनी तेज़ी से ये चंद दिन गुज़र गए। आदमी पूरा साल इनका इंतज़ार करता है लेकिन असल हदफ यही है कि ये करबला हर साल तकरार हो रही है, रिपीट हो रही है। और ये रिपीट इसलिए है कि हर ज़माने में हर जगह वो सदा जो रोज़े आशूरा गूंजी थी वो लोगों तक पहुंच जाए। कोई ये ना कहे कि मुझे वो पैगाम नहीं मिला। अल मिन नासिर
है कोई मेरी मदद करने वाला। इमाम को कैसी मदद की ज़रूरत है, वो यही हम चंद दिन बहरहाल आपस में जो जमा होते हैं हर जगह मजलिस और अदादारी करते हैं, असल हदफ यही है कि हम उस मकसद तक पहुँचें जिसके लिए इमाम हमें जमा करना चाहते हैं, इमाम हमें बुलाना चाहते हैं। और वो कोई और चीज़ नहीं है, वो ला इलाह इल्लल्लाह है। इस ला इलाह इल्लल्लाह ही के लिए और ला इलाह इल्लल्लाह तक पहुँचा नहीं जा सकता जब तक हक जो है वो बातिल के साथ लड़े नहीं, दरगीर ना हो। क्योंकि तारीख में आपने देखा, मैं उलमा इकराम से माजरत भी चाहता हूँ, बहरहाल जसारत भी है किबला जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अज़ान मोहतरम, कल मैंने आपकी खिदमत में जो है वो कुरान की आयत जो है वो पेश की, सूरह हूद की भी, उसमें भी परवरदिगार यही कह रहा है कि किसी और की इबादत मत करो मगर सिवाय खुदा के। और नबी इनसे कहो, इन्हें अनजार दो, यानी इनको डराओ भी सही और इन्हें खुशखबरी भी दो। अब यही टोटल जो पैगाम है कुरान का अपने नबियों के ज़रिए से वो यही है, जितने भी अंबिया आए हैं उन्होंने यही दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन क्या ये दावत आसान थी? मगर क्या दावत देने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, या दावत लेने वालों ने बहुत आराम से इसको एक्सेप्ट कर लिया? मौला अमीर हज़रत अली इब्न अबी तालिब इमाम फरमाते हैं कि खुदा बग़ैर किसी सबब, बग़ैर किसी चीज़ के अपने पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, मगर उसने ख़ुद इंतखाब किया ऐसे सिस्टम का, ऐसे निज़ाम का कि जो हमारे ज़रिए से तुम तक पहुंचता है। खुदा ने ख़ुद इंतखाब किया है, खुदा ही ने ऐसा निज़ाम बनाया कि बग़ैर विलायत के तुम तौहीद तक नहीं पहुँच सकते। अगर आज आपको लगता है कि जी वेस्ट में बड़ा अखलाक है, लोग बड़े मुखलिस हैं, बड़े अच्छे उनके गुफ्तगू हैं, या आज दुनिया बाज़ औक़ात ये दावा करती है कि देखें जी मगर वो दीनदार नहीं है, मगर इखलाकी बातें देखें, वो ज़ाहरी अल्लाह के हदूद की पाबंदी नहीं करते हैं, मगर देखें ज़ाहिर खूब, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ है। कोई भी इखलाक कामिल नहीं हो सकता बग़ैर तौहीद के, कोई भी इखलाक। असल जहाँ अनजार ना हो, यानी जहाँ पर कोई डर और खौफ ना हो, वहाँ पर कोई भी चीज़ कामिल नहीं हो सकती है। मगर आपको किसी चीज़ का खौफ ना हो, आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया का कोई सिस्टम अच्छा हो जहाँ पर जालिम के मुकाबले में खड़ा ना हो सके कोई, मजलूम की सज़ा के साथ कोई सदा बुलंद ना कर सके, वो वहाँ कैसे इखलाक अच्छा होगा? आज दुनिया बाहर की तालीमात को आप देखें ना, हर जगह हमारे यहाँ भी लोग खुश होते हैं कि फ़लानी चीज़ पढ़ें, फ़लानी चीज़ अच्छी बात है, आप इल्म हासिल करें, इल्म के लिए तो कोई कैद नहीं है, हदीस है इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें जो है वो चीन तक जाना पड़ जाए, उस ज़माने में चीन था, चीन तक जानो, कहीं से भी। मौला अमीर भी फरमाते हैं कि अगर कहीं से कोई चीज़ मिल रही है तो उसको हासिल करो, लेकिन दीन जो है वो वहीं से हासिल होगा जिनके घर में नाजिल हुआ है। बाकी जो सिस्टम आए, जितने भी सिस्टम आए, उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर कोशिश की है, लेकिन ये ज़ाहिरी कोशिश इंसानियत को कमाल पे नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें तौहीद नहीं है। जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह हो वहाँ पर रसूल भी है और रसूल का घराना भी है। अब ये अंबियाओं ने जो पूरी कोशिश की, और कुरान जो है वो इसको कई जगहों पे जो है वो वाजे कर रहा है, कुरान मिसालों के ज़रिए से जो है वो समझा रहा है। एक मिसाल आम लोगों के लिए है, लेकिन उन आयात का जो बातिन है वो ज़ाहिर है अहले दिल और अहले माना के लिए है। परवरदिगार जब शजर तैयबा की मिसाल देता है कलमे को, परवरदिगार क्या कह रहा है? खूब, ये शजर तैयबा है, शजर तैयबा जिसका जो है वो असल जो है वो इसकी जड़ जो है और फिर उसके फर जो है वो समावात पर हैं, खुदा इसकी तारीफ कर रहा है। और कई तफासीर मुख्तलिफ, क्योंकि असल क्या है इस दरख्त का और फिर इसकी शाखें क्या हैं,
फिर इसके पत्ते क्या हैं और फिर इसके फल क्या हैं। कुरान शजर तैयबा की बात कर रहा है, जब कुरान शजर तैयबा की बात कर रहा है तो उसके साथ साथ शजर खबीसा की भी बात कर रहा है। कि कुरान ये नहीं कह रहा मतलब सिर्फ तुम्हें अच्छा अच्छा मिलेगा या सिर्फ मतलब बहुत मीठा मीठा है जिंदगी, सख्तियां तलखियां आजमाइशें हैं, यानी जहां तुम हक की तरफ बढ़ना चाहोगे तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें गुमराह किया जाएगा, हक के रास्ते ही के लिए रोका जाएगा। खुद अंबिया की तालीमात आपके सामने है अज़ीज़ान मोहतरम, हर नबी ने जहां कोशिश की है, कभी उन्हें घर से मुश्किलात हुई हैं, कभी उन्हें अपने अकरबा से, कभी अजीज़ों से, कभी करीबों से। आप देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अपने घर से जो है वो मुश्किल पैदा हो गई, क्यों? क्योंकि विलायत जो है वो अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ के ऊपर उतारी थी। अब ये छोटी छोटी जो कुरान हमें बातें बता रहा है, जबकि ये बहुत बड़ी बातें हैं, हम तो बहरहाल कुरान जो है वो सरसरी से पढ़ के गुजर जाते हैं। कल मैंने आपकी खिदमत में कहा कि अगर आप अपने इमाम वक्त के करीब होना चाहते हैं तो रोज़ चंद आयतें पढ़कर इमाम को हदिया किया करें, क्योंकि इससे बेहतर हदिया कोई नहीं है। और इमाम फिर जब आपके उसके बदले में आपको हदिया देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका वजूद नूरानी हो जाएगा। यहाँ पर जो हज़रत यूसुफ़ और उनके भाइयों की मिसाल है, क्योंकि वली का मामला है, विलायत का मामला है, विलायत ज़ाहिरी तौर पर गैबत में भी चली गई, दूर हो गई इनसे, आज के हमारे ज़माने के जो मसाइल हैं वो उसके करीब करीब हैं। पहली चीज़ जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनकी दुश्मनी पर रागिब किया वो हसद है। हसद इंसान को कैसे खाता है? अमाल नेकियों को जैसे आग लकड़ी को खाती है। और ये हसद जो है इसकी बहरहाल मैं जसारत नहीं कर सकता, बहुत सारी रिवायतें बहरहाल बताने की कि कितनी बड़ी तादाद हसद की जो है वो लोगों की आपस में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरे अंदर मतलब हसद, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर हसद है? जब मैं ये देखूं कि मेरी जगह पर जहां मैं मजलिस पढ़ रहा हूं यहां पर किसी और को बढ़ा दिया जाए तो क्या मैं खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा? यहीं से तो पैरामीटर चेक कैसे किए जाएंगे आपके? क्या मेरे सामने किसी की तारीफ की जाए मैं खुश होऊंगा या मेरे अंदर क्या होगा? खूब ये चीज़ इतनी बारीक है कि इंसान की नेकियों को खा जाती है। दोस्त से हसद, भाई भाई से हसद, फैमिली से हसद। खूब ये आज माशरे का फुकदान है, आज इसी हसद के अंदर माशरा जल गया है। जुल्म यह है कि इंसान जब सामने बैठता है तो मुनाफिकत करता है, सामने तारीफें करता है, जब उठ के चला जाए तो फिर उसके पीछे जो है वह इंसान। खूब ये वो बीमारियां हैं जाने मोहतरम कि जो अंबियाओं के कामों में रुकावट थी। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिर क्या वजह थी कि रसूल खुदा के भी पैगाम को कितनी चीज़ें थी, बहुत बहुत सारे फैक्टर थे और बहुत सारी वजूहात थी, मगर कौन सी चीज़ थी जिसने जब रसूल खुदा ने ऐलान विलायत किया विलायत के लिए तो बहुत सारी जगहों पर हसद पाया जाता था कि आखिर ये कैसे, ये किस तरह। तो अज़ाने मोहतरम तौहीद की वादी में एंटर नहीं हो सकते जब तक इंसान अपने पूरे वजूद से ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ मुतवज्जे ना हो। ला इल्लल्लाह सिर्फ जबानी नहीं है, इंसान के आज़ा और जवारे ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दें। और इंसान इस वादी में जब उतरता है तो फिर इंसान आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह है जो उसको रात की तारीकी में उठाता है। काशिफुल खता जो बहुत बड़े आलम दीन है, एक आलम दीन बताते हैं कि ये दूसरे शहर में आए, रात का वक्त था, किसी घर में थे, एक बाग था, रात को सब सो गए, मैं भी एक बाग के किनारे सो गया। तो रात फजर से पहले ये आए और इन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा, उठो नमाज शब का वक्त हो गया है, तहज्जुद का वक्त हो गया है। मैंने भी कहा अच्छा मैं उठता हूँ और
करवट ली और दोबारा फिर मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। जो मुझे आवाज़ें आई तो मैं उठा और मैंने जाकर देखा तो ये कमरे में बैठे हुए रात की तारीकी में मनाजात कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। उस मनाजात ने इतना मुझे तासीर किया कि जब उन्होंने ये वाकया बताया कि 40 साल हो गए मैंने शब की मनाजात को तर्क नहीं किया। खूब ये क्या है, खूब ये ला इलाहा इल्लल्लाह खलवत में है। खूब ये कैसे है कि मतलब सिर्फ जबानी नहीं है कि आप यहां जमा हुए हैं तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह है, आप अपनी तन्हाई में अपनी खलवत में। इस्फहान के दो तालिबे इल्म बताते हैं कि हमारे कमरे बराबर बराबर में थे, रात को हमने खिड़की में सुराख किया था, कमरा दूसरा था, और अपने हाथों के साथ रस्सी बांध देते थे कि जो तहज्जुद की नमाज में पहले उठेगा वो रस्सी को खींच दे। क्यों? ताकि दूसरे तालिबे इल्मों को पता ना चले कि हम उठ रहे हैं। खूब ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर इंसान के वजूद में तौहीद हो तब इंसान को समझ में आता है। जाने मोहतरम, कैसे आपके ऊपर आलम की बातें वाजे होंगी, कैसे होंगी कि जब आप अपनी जिंदगी में खलवत देंगे, जब आप अपनी जिंदगी को कोई शोर से अपने आप को महफूज करेंगे। वादी तौहीद आसान नहीं है, वादी तौहीद सख्त है। अल्लामा अमीनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के जो साहिब गदीर हैं, वो बयान, उनसे पूछा है, उन्होंने वाकया बयान किया कि मैं दमिश्क में था। आपको पता है उन्होंने कितने मुल्कों में सफ़र किया इमाम अली अलैहिस्सलाम पर किताब लिखने के लिए, फ़ज़ाइल लिखने के लिए। ये हमारे लिए भी सवालिया निशान है कि उन्होंने 30 साल लगा दिए किताब लिखने में, हमने कितना वक्त निकाला उस किताब को पढ़ने के लिए। और वो मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है पूरी किताब। हम जो इतने विलायत के दावा करते हैं कि हम बड़े मौलाई हैं, गोके हैं, लेकिन मौलाई का रंग मौला की तरह होना चाहिए ना। मौलाई रंग कैसे होगा भाई, कैसे होगा? आज दुनिया, बहरहाल आज आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। इंसान जो है वो चाहे ना चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब कुछ इंसान के मोबाइल में भरा पड़ा, कहीं ना कहीं इंसान फॉलो करता है। आज दुनिया कैसे काउंट करती है इसके कितने फॉलोअर्स, इसके कितने फॉलोअर्स। बोलो पैसे दे के भी फॉलोअर बढ़ सकते हैं, वैसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहरहाल आप किसी को तो फॉलो करते हैं। जिसको आप फॉलो करते हैं, मिसाल के तौर पर, हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा लगता हो, सकता है आपको कोई डॉक्टर अच्छा लगता हो। वैसे तो कमी होता है किसी को साइंटिस्ट अच्छे लगे, किसी को प्रोफेसर अच्छे लगे, बहुत कमी होता है कोई राइटर अच्छा लगे। ये तो ज़िंदगी में बहुत कमी है ना, क्योंकि खुद जो चीज़ है ही नहीं तो वो दूसरों से क्या इंसान फॉलो करेगा। अफसोस है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता बाद अवकात फिज़िक्स कहाँ पहुँच गई, मेटाफिज़िक्स कहाँ पहुँच गई, स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँची हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं जवानों को कह रहा हूँ कि ये वादियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और ये वादी इमाम वक्त के ज़हूर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वादियाँ, इमाम जो है जब आएंगे तो ज़ाहिर है, अभी आप देखें दुनिया कहाँ तरक्की कर गई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पहुँच गई है। तो हम इमाम के दौर में क्या करें, घर में बैठे रहें, कैसे इमाम का साथ देंगे आप? तो बहुत ज़रूरी है। तो आज जवान जिसको फॉलो करता है वैसा होना चाहता है। मिसाल के तौर पर कोई भी अच्छा लगता है, कोई डिज़ाइनर अच्छा लगता है, कोई कपड़े अच्छे लगते हैं, खूब इंसान चाहता है कि ये मैं भी इसको इस्तेमाल करूं। जिसको पसंद करता है मैं भी वैसा इस्तेमाल करूं, वैसा रंग हो, वैसा लिबास हो। खूब ये नेचुरल है, फितरतन है। बच्चा अपने बाप से मोहब्बत करता है, बच्चा बाप सुबह ऑफिस जाता है बैग लेकर, बाज़ देखें बच्चा भी बाज़ों का छोटा सा बैग उठाता है, कहता है मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? खूब अपने बाप को फॉलो करता है। माँ हिजाब करती है, छोटी बच्ची भी अपने आप को हिजाब में रखती है। क्यों? अपनी माँ को फॉलो करती है। खूब ये नेचुरल है। लेकिन जहाँ हमारी पूरी जिंदगी का खुलासा विलायत हो, जिसके लिए हम जिंदा हैं, जिसके लिए हमें आखिरत में भी हम उसी के साथ ही जो है वो इंशाल्लाह उठाए जाएंगे, तो वो फॉलो हमारी जिंदगी में कहाँ है? वो रंग
मौलाई वो कहाँ है, वो रंग मौलाई कहाँ है? ज़ैने मोहतरम मन कुन तो मौला फहाजा अलीन मौला पे तो हमारी तफसीरें बहुत हैं कि भाई मौला के मायने ये थोड़ी थे, ये थोड़ी थे, ये थोड़ी थे, तो क्या थे मौला के मायने? वो वली के थे, विलायत के थे। तो ये विलायत मेरी जिंदगी में कितनी हाकिम है। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि मैं दमिश्क गया, वहां पे दूसरे फिरके के उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मौला अली के बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगु बढ़ा देते हैं। कहा क्या? कहा आप कहते हैं कि इमाम रात को 1000 रकातें पढ़ते थे। तो अल्लामा अमीनी फरमाते हैं वो तो मौला थे, ये 1000 रकातें तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने शुरू की, अल्लामा अमीनी की टांग में प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी, लेकिन अभी आधी रात नहीं गुजरी थी, 500 रकातें पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम समझ गए, आप पढ़ सकते हैं। कहा नहीं, अब मैं पूरी पढ़ूंगा। बाद में उनसे पूछा गया, क्या आप हर रोज 1000 रकातें पढ़ते हैं? कहा नहीं। मैंने कहा मौला जाने और 1000 रकातें जाने। अज़ान मोहतरम, ये जो रंग है विलायत, ये रंग मेरी जिंदगी में कहाँ है? क्या रात की तारीकी में मैं 1000 रकातें तो नहीं पढ़ सकता? 1% 1000 का कितना है? मैं हमेशा ये जुमला दोहराता हूं, 1000 का 1% कितना है? 10। क्या 10 रकातें और 1 रकात वितर नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ सकता मैं? नहीं पढ़ सकता। अब ये मौलाई रंग है ना, ये तो अब ये रंग जब आएगा तब मामला खुलेगा। इज़्ज़ाने मोहतरम, परवरदिगार ने अपने नबी के जरिए से इस ला इलाहा इल्लल्लाह को इजरा किया है, और अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए से पहला पैगाम, मैंने कल आपको बताया, खुदा ने अपने हबीब को पहली चीज उनको डराया है, उनको अंजार दिया है। जैसे रसूल खुदा ने कहा कि अगर पीछे से दुश्मन आ जाए तो तुम मानोगे मेरी बात? उनका हाँ मानेंगे बात, दुश्मन छुपा हुआ है, दुश्मन हमला कर रहा है। खूब ये डराना है, यही अंजार रसूल खुदा ने किया कि देखो एक खुदा को मानो, शिर्क ना करो। क्यों? क्योंकि उधर जो है ना फिर मुश्किलात हैं, उधर मुश्किलात हैं। दुनिया बहुत थोड़ी सी है, दुनिया खत्म हो जाएगी। जितना भी आपको नजर आ रहा है बाजू का शोर शराबा है, दुनिया की जाहिरी ताकतें अपने आप को आपके सामने, दुनिया की जाहिरी ताकतें टूटना शुरू हो गई हैं, गिरना शुरू हो गई हैं। पावर जो है पूरी दुनिया में चेंज हो रही है, चेंज हो गई, अच्छी खासी चेंज हो गई है, ट्रांजिशन ऑफ पावर दुनिया में हो रहा है। अब दुनिया किसी और तरफ झुक रही है, अब कोई आंखें बंद करके बैठा रहे जैसे कबूतर बैठा होता है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चेंज हो रही है। और जितनी तेजी से जहूर नजदीक हो रहा है हमें उसका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन ये हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम तौहीद की वादी में एंटर नहीं होंगे। करबला वादी तौहीद है, हर कोई नहीं आ पाया इमाम के साथ, आसान नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह में आने के लिए इंसान को बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है। परवरदिगार ने अपने नबी के जरिए से जब इस पैगाम को भेजा, कुरान मुख्तलिफ जगहों पर कह रहा है मतलब खुदा की तरफ आओ, खुदा की तरफ बढ़ो, बाकी सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और जब इंसान वादिय तौहीद में आ जाता है तो सिर्फ मस्जिद में जिक्र नहीं करता, फिर वो बाजार में भी हो तो हालत जिक्र में होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, या आगा हो जाओ, अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। खूब ये जिक्र, ये जिक्र जो है वो हर आलम से होता हुआ रूए जमीन पर आया है, और रसूल खुदा ने हर आलम में खुदा की इबादत की और बंदगी की है। वादिय तौहीद में एंटर होना, कुरान कह रहा है कि उदखुलू बाबन, दरवाजों में दाखिल हो, किस तरह? सजदा करके दाखिल हो। मगर हजरत आदम को जो सजदा है वो हजरत आदम की इबादत थोड़ी है,
असल इबादत खुदा की है। खुदा इस सजदे के जरिए से मलाइका को वादिय तौहीद में एंटर किया है। जो मलाइका के अंदर जो चीजें थी उनको खुदा ने खत्म किया है सजदे के जरिए से। आओ, सबसे बेहतर मकाम, ऊंचा मकाम इंसान का उसका सर है, और सर में सबसे बेहतर उसकी पेशानी है। जब इंसान इसको झुका देता है तो ये गवाही दे रहा होता है कि परवरदिगार मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं, सब कुछ तेरा है। खूब, ये सजदा बंदगी की तरफ लेके जाता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, इकबाल क्या कहता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निशान। खूब अज़ान मोहतरम, खूब ये एक सजदा जो मलाइका से करवाया वो वादिय तौहीद में लेकर आ रहा है। मगर क्योंकि दुनिया एक साइड देखती है, दूसरी साइड को इग्नोर कर देती है। कौन है जो इन सजदों को खराब कर रहा है, कौन है जो इन सजदों में नफूस कर रहा है, वो शजराए खबीसा है। ये हमेशा से है और ये दरगीरी आज भी जारी है। उसकी नौयत चेंज हो गई है, उसका फेस चेंज हो गया है, उसकी शक्ल चेंज हो गई है। दुश्मन अब उस तरह जाहिर में नहीं आता, दुश्मन अब हाइब्रिड वॉर के जरिए से है। पहली चीज, दुश्मन जो है वो रूह हर चीज की निकालना चाहता है। आपने बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स, ऐसी चीजें देखी होंगी जो हॉलीवुड भी दिखाता रहता है। अब आप बोलेंगे मौलाना साहब, अब फिल्मों की तरफ मैं आपको ही नहीं दावत दे रहा, लेकिन ये है कि करेक्टर्स जो दिखाता है वो क्या है, ये करेक्टर थॉटलेस, ये करेक्टर बगैर किसी हिस्से के, एक रेवड़ की तरह जैसे मैयतें हैं वो चल रही हैं। दुश्मन यही चाहता है, दुश्मन बेदारी नहीं चाहता। चाहे कोई भी तबका हो, किसी भी तबका हो, आप जमे गफीर देख लें दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ मजहबों के, मुख्तलिफ मजहबों के। हिंदुओं का मजमा कितना बड़ा मजमा होता है, मगर क्या इंसानियत का पैगाम पाया जाता है? पस्तरीन हैवानियत इंसानियत के अंदर जा चुकी है। हमारे इज्तिमा अगर हम तवज्जो ना करें तो बस सिर्फ जमा है, ये नतीजा कुछ भी नहीं है। हज पे आप देखें कितनी बड़ी तादाद है हमारी। अगर मुसलमान मुत्तहिद ना हो तो आज आपके सामने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की गई, डेनमार्क में भी कुरान को जो है वो मुसलमान खामोश, मुसलमान खामोश है। कोई एहतजाज बाज जगहों पर आवाजें निकल रही, ऐसा नहीं है कि, बहुत से लोगों ने तो इन ममालिक के सफीरों को इखराज कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, क्या चाह रहे हैं? ये आपको टेस्ट कर रहे हैं कि इनमें, हमने जो इनके ऊपर काम किया है, इनमें कितनी गैरत बाकी है। हम में से कितने परेशान हुए कि कुरान के साथ ऐसा हो, क्यों हमें, असल में कुरान को हमसे दूर कर दिया गया है। कुरान है कहां? हर वो चीज जो कुरान के मुखालिफ है वो हमारे माशरे में राइज है, हलाल समझ के। मीडिया आप देख लें, हर वो चीज जो हुदूद इलाही को तोड़ती है वो आपको समझ। ये माशरों के ऊपर जो मुख्तलिफ जहद से काम हो रहा है, और उसमें एक आजादारी भी है। आजादारी को आप रोक तो नहीं सकते, आजादारी को आप कम भी नहीं कर सकते जो कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन क्या करें, आजादारी में असल मकसद को डाइवर्ट कर दो। ये आए हुसैन के लिए, मगर जब निकले तो हुसैन ही ना बने। ये तवज्जो की जरूरत है जाने मोहतरम, हमें बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। आज दुश्मन बहुत लेयर्स के साथ जो है वो हमारे जहनों को कंट्रोल कर रहा है, और ये ना शिया मसला है, ना ये सुन्नी मसला है, ये इस्लाम की बका का मसला है। अगर सईदुल शोदा अलैहिस्सलाम करबला नहीं आते, अल्लाह, अगर इमाम करबला नहीं आते और ये कयाम न करते, तो आप समझते हैं कि आज हमारी नमाजें बाकी रहती, आज हमारे माओं बहनों के पर्दे बाकी रहते,
आज मज़लूम की सदा बाकी रहती नहीं रह सकती। इसलिए आज आप देखें कि ये मजलिसों के दरवाजे सब के लिए खुले हुए हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो। इमाम हुसैन का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर है। जो अपने दुश्मन के जानवरों को पानी पिलाए, उससे ज़्यादा ह्यूमन वैल्यूज़ और इंसानों का अलमबरदार इंसानियत का कौन हो सकता है। यही पैगाम हम सब के लिए कि जब आप आज़ादारी कर रहे हैं या आज़ादारी के रास्ते पर हैं या आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आपसे कोई ऐसा अमल ना हो कि कोई ये कहे ये देखो ये आज़ादारी कर रहा है। जब आप सड़क पे जाएं, जब आप सबील लगाएं, आप देखें आपके मोहल्ले में लोगों को, अगर आप सबील का मजलिस का टाइम है उसके बाद आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं, आप सारी रात बाज़ों का देखा जाता है कि जो है वो नोहे बहुत इतनी ऊंची आवाज़ में चल रहे हैं, तीन तीन अजदाने मोहतरम। इमाम हुसैन का पैगाम लोगों को करीब करने के लिए है, दूर करने के लिए नहीं है। दावत दें और मॉडर्न तरीके से इमाम का पैगाम पहुंचाएं, लिटरेचर के ज़रिए से पहुंचाएं, चीज़ों के ज़रिए से पहुंचाएं। जवान इतने आप बैठे होते हैं, आप इन 10 दिनों में कम अज़ कम इंटरनेट को, वेब को भर सकते हैं, कंटेंट लिख के भर सकते हैं। काला इमाम हुसैन एक तस्वीर, एक पोस्टर बनाकर दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि हुसैन के मानने वाले इंसानियत को बचाना चाहते हैं। अब हम अपनी तरफ मुतवज्जे हों। आज माशरे के अंदर जो मुश्किलात हैं, जाने मोहतरम, यही पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम जब अपने निकले हैं मदीना से, क्या कहा, मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि मैं अपने जद और अपने बाबा की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहता, अम्र बिल मारूफ करना चाहता। खूब आज माशरे में नेकी कहाँ है? आज माशरे में नेकियाँ ख़त्म हो रही हैं। माह मुहर्रम है, बहुत सारे सोशल टॉपिक्स जो हैं वो इन 10 दिनों में मैं इज्तनाब करता हूँ कि गुफ्तगू ना की जाए, बाद में गुफ्तगू की जाए। लेकिन आप खुद सोचें कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, माशरे के अंदर जो मुश्किलात हैं, कैसे आप इमाम वक्त तक पहुँचेंगे जिसके घर के अंदर सुकून ना हो, जिसके घर के अंदर अखलाक ना पाया जाए, जहाँ ज़बान जो है वो दराज की जा रही हो, जुल्म किया जा रहा हो, बच्चों की तरबियत वैसी ना हो जैसी वक्त का इमाम चाहता है। इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह नुफूज नहीं कर रहा मेरे वजूद में। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह को वजूद में नुफूज करने के लिए सबसे पहले मैं खुद अपने आप को बेहतर करूं। पहले मैं तो अपने आप को तौहीद की वादी में लेकर आऊं। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मेरा ध्यान नमाज की तरफ है या मेरा ध्यान मेरे अतराफ में है? ये प्रैक्टिस क्या मैं करता हूँ कि नमाज में मेरी तवज्जो पूरी नमाज की तरफ हो? ये फुर्सत जो खुदा ने मुझे दी है अपने आप से गुफ्तगू करने की, नमाज क्या है? जब आप कुरान पढ़ते हैं तो खुदा आपसे गुफ्तगू करता है, लेकिन जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आप अगर खुदा से गुफ्तगू कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और हो, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा ध्यान कहीं और हो, या आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं मोबाइल में बैठा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, कितना आपको बुरा लगेगा? कितना बच्चा बुरा मान जाता है। मेरी बेटी इतना बुरा मानती है, मतलब मैं मोबाइल में रिप्लाई कर रहा हूँ और मुझसे कोई बातें कर रही है और मैं हूँ कर रहा हूँ, तो वो कहती है ये इस ठीक नहीं है ये जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने क्यों, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। वो सही कह रही है। वो बच्चा समझता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है और वो हर चीज़ पर कादिर, लेकिन फिर भी आप देखें वो कितना रहमान है। आप क्लास में जाएं और आपकी तवज्जो टीचर की तरफ ना हो, टीचर क्या करेगा, आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन हम हर रोज़ उसकी बारगाह में बग़ैर तवज्जो के जा रहे हैं, फिर भी वो हमें बाहर नहीं निकाल रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह रहमान रहीम है, उसको समझें। जाने मोहतरम,
हर चीज पर उसके इल्म ने अहाता किया हुआ है। असल यही है कि जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए, जिसे खुदा की तरफ जाए। हदीस बयान होती है कि शायद मैं पूरी कंप्लीट ना कर पाऊं, लेकिन एक हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करूं। अज़ान मोहतरम के खुदा कहता है कि जो मेरी रजा पे राजी हो जाए, मैं उसके वजूद में तीन खसूसियतें ईजाद करता हूं, तीन क्वालिटीज जो है वो मैं उसको दे देता हूं। पहली क्या है? ये हम सब के लिए, ये हदीस और रिवायात हम सब के लिए ज़ान मोहतरम। ऐसा नहीं है कि मैं तालिब इल्म हूं तो आप बोले नहीं ये तो इसे मौलाना साहब के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। हम सब हर लेवल पर खुदा के मुकर्रब बंदे हैं। खुदा के यहाँ जो मैयार है वो तकवे का मैयार है, वो परहेजगारी का मैयार है। मुल्ला सदरा जब पहले दर्स में अपने उस्ताद, मुल्ला सदरा आप जानते हैं ना, सदरतुल मुताहिलीन, कि जिन्होंने जो फलसफा हमारा है, जो हमारा फलसफा है, ये सब मुल्ला सदरा के दस्तरखान पर है। अल्लामा तबा तबाई रिजवानुल्लाह ताला अलैह, और आज के दौर में अल्लामा जवादी आमली, ये सब जो आप फलसफा पढ़ते हैं, इमाम खुमैनी, सब मुल्ला सदरा का फलसफा है। मुल्ला सदरा जब पहले दिन अपने उस्ताद मीर दामाद के दर्स में गए, दर्स के बाद मीर दामाद ने मुल्ला सदरा को बाहर कोने में बुलाया और कहा कि दो चीज़ें अगर अपने वजूद में डालोगे तो ही इल्म हासिल कर सकते हो। पहली चीज, जो खुदा ने वाजिब कहा है उसे अंजाम दो। दूसरी, जिस चीज़ों ने खुदा ने मना किया है यानी गुनाह, उन्हें तर्क कर दो। बस मुल्ला सदरा कहते हैं कि मैंने बहरहाल इस पर सारी ज़िंदगी अमल किया, और जब 11 या 9 साल इनको कहक में जिला वतन कर दिया गया, जो कुम्बुल मुकद्दसा से कुछ फासले पर है, तो वहाँ तन्हाई में कहते थे कि मैं तफक्कुर और फिक्र कर कर अपनी रातों को गुजारता था। तो खुदा ने मेरे लिए मलाकूत खोला, फिर मेरे लिए जबरूत खोला। अब ये हम कब देखेंगे? वो खुद मुल्ला सदरा कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जिस चीजों के बारे में तसव्वुर नहीं किया था, खुदा ने मुझे वो अता किया। असफारे अरबा, बहरहाल खुदा हम जैसे तालिब इल्मों को तौफीक दे कि हम इन दर्शकों को हासिल कर सकें। जाने मोहतरम, हम तो कुछ भी नहीं है, जो उलमाए कराम लिख गए बता गए, हम कुछ भी नहीं। हमारी सारी जिंदगी भी सर्फ हो जाए तो हम किसी भी एक आलिम का हक अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने जहमतें की हैं। तो क्या चीज़ है हदीस? अगर कोई मेरी रजा पर राजी हो जाए तो मैं तीन क्वालिटीज उसके वजूद में इजाद कर देता हूँ। पहली, मैं उसे ऐसा इल्म देता हूँ जो नादानी और जहालत से पाक होता है। यानी इल्म यानी जानना यानी दानाई, जो है जो चीज़ जानता है उसमें जहल नहीं होगा, उसमें नादानी नहीं होगी। यानी जो बेस्ट फॉर्म ऑफ इल्म हो सकती है उसको मैं अता कर दूंगा। अब वो जो भी हासिल करना चाहे, आज अगर जवान चाहता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जाने मोहतरम ये हर इल्म 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 लाही है सारे, किसी ने इल्म ईजाद थोड़ी किए हैं। फिजिक्स का इल्म क्या है? स्पेस का है। केमिकल केमिस्ट्री का इल्म मॉलिक्यूल्स का है, बॉन्डिंग का है, स्पेस, ये सब तो खुदा का है। हम उसी में से चीज़ों को कश्फ कर रहे हैं, कोई चीज़ हमने थोड़ी ईजाद की है। आप ज़मीन का इल्म है, ज़मीन के अंदर जाएं, ज़मीन भी खुदा की है। आसमान के ऊपर जाएं, वो आसमान भी खुदा का है। बदन का इल्म हासिल करें, बदन भी खुदा का है। हवाओं मॉलिक्यूल का इल्म हासिल करें, ये भी खुदा का है। जानवरों के अंदर जाएं, दरख्तों के अंदर जाएं, जड़ी बूटियों में जाएं, सब खुदा का है। कोई चीज़ भी हमने थोड़ी बनाई है। और ये जो हम ढूंढ रहे हैं, ये जो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, ये भी खुदा सलाहियत दे रहा है। खुदा अगर न दे, आप तभी तो बड़े बड़े साइंटिस्ट इन्हीं उलूम के ज़रिए से खुदा तक पहुंच गए कि कोई तो है जो कायनात को इतना मुनज़्ज़म बनाया हुआ है। पहली क्वालिटी, मैं ऐसा इल्म दूंगा जो जहल और नादानी से पाक होगा।
दूसरा मैं उसे ऐसा जिक्र दूंगा जो निसियान से पाक होगा, जिसे वो भूल नहीं पाएगा। वो जिक्र की हालत में रहना, जिक्र इंसान को मिल जाए, वो जिक्र जो ज़मीन और आसमान कर रहे हैं, वो जिक्र जो पत्थर और पत्ते कर रहे हैं। जब इंसान हालत जिक्र में आ जाए तो फिर कोई चीज़ उसे गाफिल नहीं कर सकती। जिक्र में खूब ऐसा जिक्र दूंगा। तीसरी, मैं उसे अपनी मोहब्बत ऐसी चखाऊंगा कि वो फिर दूसरी मोहब्बतों को भूल जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जाने मोहतरम, जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए उसे फिर दुनिया की मोहब्बतें क्या देंगी। ये मोहब्बतें तो वैसे भी सारी टेम्परेरी हैं, ये रिश्ते सारे ख़त्म हो जाते हैं। इंसान वैसे भी जब दुनिया से जाता है सब ख़त्म हो जाता है। असल मोहब्बत, असल करम, असल पायदारी इसी राबते में है जो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर आलम में बचाएगी। और बहरहाल हदीस तुलानी है, वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से अपने आखिरी सानियों की तरफ बढ़ रहा है। अज़ान मोहतरम, खुदा कहता है कि एक आध हिस्सा आपकी खिदमत में और आपसे इल्तमा से दुआ। वो कहता है कि जिसे मैं ये सब दे दूं, मामला फिर शुरू होगा। क्या होगा? मैं इसे अपना जमाल दिखाता हूँ, ये रूए ज़मीन पर चलता है तो मैं इसकी मग़फ़रत कर देता हूँ। मैं अपने ख़ास बंदे इसके सामने अयां कर देता हूँ और ये मेरी आवाज़ सुनता है और मलाइका की आवाज़ों को सुनने लगता है। जब इंसान इस हालत में हो, इस रजायत में हो, इस राजीपन में आ जाए, अल्लाह अकबर, फिर कहीं पे भी खड़ा हो, किसी हालत में हो, सब कुछ लुट भी जाए, असीर हो जाए, चाहे दरबार दरबारे यजीद हो, तो वहाँ खातून का कलाम भी हैदर कर्रार बन जाता है। क्यों? रजायत, राजी। कहीं जुमला नहीं आया कि खातून ने ये कहा हो कि खुदा ये क्या किया हमारे साथ। नहीं, जैनबी किरदार ये नहीं है। जैनबी किरदार ये है कि सब लुट भी जाए तो क्या कहें, तकब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार कबूल कर। खुतबे दुश्मन के दरबारों के सुतूनों को लर्जा दें, यह आसान नहीं है। ये कैसे वजूद से चीजें बाहर आती हैं? ये जब इंसान इस मकाम पे, जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए, वो अपनी सारी मोहब्बतों को कुर्बान कर देते हैं और शौक से करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मजबूर, नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। जब सैयदुश्शोहदा का कारवां मदीना से चलने लगा ना, तो बीबी ने पूछा, भाई हाँ मदीना छोड़ने की तैयारी है? तो बीबी फरमाती हैं कि भैया आप जानते हैं हम आपके बगैर नहीं रह सकते। हाँ हाँ जानते हैं, मगर अपने शौहर से इजाज़त लो, इमाम है, शरीयत के पासदार हैं। आई अपने शौहर, गालिबन कहते हैं मरीज थे,
आंखें बंद हैं, अपने शौहर के किनारे बैठ गई, बीवी की आंखों में आंसू हैं, आंसू के कतरे अब्दुल्ला जाफर के माथे पर गिरे, आंख खुल गई, कहा क्या हुआ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, क्यों रो रही हैं? कहा भाई मदीना छोड़ रहे हैं। कहा तो? कहा आप जानते हैं भाई के बगैर नहीं रह सकती। कहा हाँ जाइए, ये तो हमारे निकाह में शर्त थी कि आप भाई के साथ जाएंगी। जाने लगी तो कहा कि मेरे दो बच्चे भी ले जाइए, जब जरूरत पड़े तो इमाम पर कुर्बान कर दीजिएगा। बस अज़ादाराने मोहतरम मसाइब आप सुनते रहते हैं, पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, कारवां चल गया, चलता रहा चलता रहा, पहुंच गए करबला। हर माँ शब आशूर अपने बच्चों को तैयार कर रही है। अजीब करबला की माएँ हैं, अजीब माएँ हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह। हर माँ कोई कह रही है बेटा सुबह देर ना हो जाए, सुबह जल्दी करना। हर माँ अपने बच्चों को, बीबी जैनब ने भी अपने बच्चों को यही कहा, बेटा सुबह अपने मामू पर जान का नजराना पेश करना है। भाई बहन में मोहब्बत भी बहुत है, अजीब मोहब्बत है, भाई बहन की मोहब्बत अजीब है अज़ान मोहतरम, यानी अल्लाह अकबर, यानी इमाम हुसैन का मिशन पूरा ही नहीं हो सकता अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वजूद ना हो। अजीब मोहब्बत है, यानी इतना बीबी ज़ैनब इस तरह वादी तौहीद में आई हैं कि इमामत के साथ साथ चल रही हैं। आसान दो ही जिंदगी में हमारे पास जो है ना रास्ते हैं, एक हुसैनी बनो और अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाओ, दूसरा अगर जब तक जिंदा हो तो ज़ैनबी किरदार अदा करो। ऐसे नहीं है आज बीबी ज़ैनब को मानने वाली माएं, यह आसान नहीं था। वक्त नहीं है कि मिसालों की तरफ जाया जाए, किस तरह बका के लिए माओं ने करबला की माओं से दर्श लिया है। या आप जो आज बैठे हुए हैं ये करबला की माओं के दर्श हैं, ये करबला की माओं से लिए हुए दर्शों की तरबियत है जो आज आप अज़ाए हुसैनी में बैठे हुए हैं। अगर आपकी वालदा और मेरी वालदा ने ये जहमतें ना की होती, गली गली घर घर जाकर मजलिसें सुननी होती, हुसैन हुसैन हमारे कानों में ना आया होता, हम कहाँ आज यहाँ बैठे होते। अपनी माओ को दुआ दिया करें, अपने अबाउजदाद के लिए दुआ किया करें जब रोया करें। जाने मोहतरम अल्लाह, रोज़े आशूर आई, एक एक कर कर लोग जा रहे हैं, असहाब पहले गए, फिर बनी हाशिम शुरू हुए। लेकिन अजीब मोहब्बत है बहरहाल हज़रत ज़ैनब को हज़रत अली अकबर से शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत थी। लेकिन जब काफी देर हो गई, देखा कि भाई इजाजत नहीं दे रहे ओनो मोहम्मद को, कैसे दे, मतलब बहन अल्लाह, लेकिन अपने बच्चों को लेकर इमाम हुसैन के पास आई। कहा भैया इनको इजाजत दें। इमाम हुसैन ने उन्हें सीने से लगाया और गिरिया किया, जाने तो बहन तैयार है कि किस तरीके से मेरी ये कुर्बानी कबूल हो। ये आसान नहीं है ना, जब आप किसी एक ऐसी जगह पर जा गए हो कि जहां आपको पेश करना है कुछ, और आदमी मुस्तरब है कि जो मैंने पेश किया है, जो मैं हदिया लेकर आया हूं, ये कबूल होगा कि नहीं होगा। वो मामला करबला का आसान नहीं है। माओ ने अपने वजूदों को तराशा है करबला में कुर्बान करने के लिए। बस ओनो मोहम्मद सवार हुए और जाहिर है
जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। जंग तो जानते थे कैसे लड़ी जाती है, एक मेमने पर लपका, एक मैसरे पर, दोनों ने ऐसे वार किए कि दुश्मन पलट गया। हजरत अबुल फजल अब्बास ने इन्हें जंग लड़ना सिखाई हुई है, लेकिन जाहिर है बच्चे हैं, प्यासे भी हैं। बस आराम मत, छोटा भाई पहले गिरा, मोहम्मद पहले गिरा, जैसे ही मोहम्मद गिरा भाई रोए, और अच्छी तरह बीबी जैनब को पुरसा दे, क्यों? क्योंकि बीबी जैनब अपने बच्चों के लिए रोई नहीं है। जब तक करबला में रही, अल्लाह, हाँ अजादारा ने मौत, यही तो कमाल है, विलायत यही है। हुसैन के लिए रोना है, बच्चों के लिए नहीं रोना। जब मोहम्मद गिरे, कौन आए? कहा जल्दी मत करो, हम भी आने वाले हैं। थोड़ी देर में जो है वो ऑन भी अपनी सवारी से गिरे और बस यही कहा, मौला हमारा आखिरी सलाम हो, बस ये कहना था। अज़दारान मोहतरम, फिर आप जानते हैं कि दुश्मनों ने इन बच्चों के साथ क्या किया। ऐसे में शहीद शोहदा न जाने किस तरह बदनों पे पहुंचे होंगे। मकातिल कहते हैं कि एक बाजू में ऑन है, एक बाजू में मोहम्मद है, दोनों के बदनों को खैमों में लेकर आए हैं। अब क्या देखा अहले हरम ने कि जब हर कोई जनाजा आता था तो बीबी जैनब पहले से मौजूद थी, मगर जैसे ही ओलो मोहम्मद आए, जैनब नजर नहीं आ रही है। अहले हरम ने खेमों में देखा कि कहीं बीबी बेहोश ना हो गई हो। अब खेमों में जाके क्या देखा कि बीबी सजदे में है और कह रही है, खुदा मैंने दो कुर्बानियां भेजी हैं, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा। ऐसे में खवातीन ने कहा, जैनब ओनो मोहम्मद आ गए हैं। बीबी उठ गई, आ गए हैं। जब जाकर देखा तो इमाम हुसैन सर झुकाए खड़े हैं, एक तरफ ऑन लेटे हुए हैं, एक तरफ मोहम्मद लेटे। बीबी जैनब ने दोनों के बदन को किनारे किया, खुदा की बारगाह में सजदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। हाँ आज़ादारान मोहतरम, बस चंद जुमले, आप रोते रहिएगा। ये सारे सफर पर, ये असारतों में कहीं पर भी बीबी जैनब का जुमला अपने बच्चों के लिए नजर नहीं आता, कहीं अली अकबर के लिए, कहीं अपने भाई हुसैन के लिए। और असारत में तो ज्यादा बातें बच्ची ही की हैं, किसी मकाम पर जो है वो इमाम सज्जाद को बचा रही है, किसी मकाम पर ये कहती है, भैया मुझसे बात नहीं करते, अपनी बेटी से तो बात कर लो। कहीं बच्चों का जिक्र रही, कहीं कोई गिला, कूफा शाम, शाम से वापसी हो गई, करबला आ गई, वो आपके सामने है। बस अज़दारान मोहतरम, ये सब सफर करके जो जैनब ज़ईफ़ा हो गई, मदीना पहुंची कि जहां हजरत उम्मुल बनीन पहचान नहीं पाई, बस जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई, घर के हयात को देखा, उन हुजरों में छोटे बिस्तरों को देखा, ओलो मोहम्मद याद आए।